तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि किन प्रकारों से नौसैनिक विद्रोह भारत में अंग्रेजों की औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं की सपेटिका में लगी अंतिम की जो है वो साबित हुआ था। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, शायद आपने सुना भी होगा इस चीज के बारे में पहले। देखिए क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आता है तो पहला कर्तव्य हमारा क्या है कि हम क्वेश्चन को समझे और एग्जामिनर हमें इसका आंसर कैसे चाहता है ये समझे। कीवर्ड्स होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर, तो वो हमें पकड़ने होते हैं कि हाँ वो एक्चुअल में, देखिए क्वेश्चन तो है मगर एक्चुअल में हमसे वो किस तरीके से आंसर चाहता है, ये भी हमें समझना होता है और क्वेश्चन को समझना होता है। जब ये चीजें हम समझ जाते हैं तो हमारा आधा काम खत्म हो जाता है कि हाँ एक्चुअल में क्वेश्चन को समझ लिया, और क्वेश्चन को समझने के बाद एक स्ट्रक्चर दिमाग में क्रिएट कर लिया कि हाँ ये इन पॉइंटों को देखते हुए मैं अपनी बातों को साबित कर सकता हूँ, अपनी बातों को रख सकता हूँ, अपने तर्क दे सकता हूँ और ये मेरे पास पॉइंट है। जब ये चीजें समझ में आ जाती है तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है और आंसर लिखना हम जल्दी से एक आंसर लिख देते हैं, टाइम के अंदर लिखते हैं और एक अच्छा आंसर लिखते हैं। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि किन प्रकारों से जो नौसैनिक विद्रोह था भारत में अंग्रेजों की औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाएं जो थी, यानी कि जो महत्वाकांक्षाएं थी उन सौ पेटिका, यानी कि चीजें एंड में आ गई थी क्योंकि 1946 के आसपास ये हुआ था, ठीक है नहीं। तो 1946 में जब ये हुआ तो लास्ट टाइम पीरियड था, तो वो अंतिम चीज थी, वो अंतिम चोट मारी गई थी, वो अंतिम किल ठोकी गई थी किस चीज के अंदर, इनकी सौ पेटिका के अंदर कि हाँ अब काम खत्म हो गया और उसके बाद हमें फ्रीडम मिल गई थी। तो ये बात आप साबित कैसे करोगे, बस इसी चीज पे मैं फोकस करना कि हमें बस वो तर्क देने हैं, अपने वो पॉइंट लिखने हैं जिससे ये बात साबित हो जाए कि हाँ ये जो नौसैनिक विद्रोह था ये अंतिम कील थी, ठीक है ना। बस वो पॉइंट हमें देने हैं, शुरुआत करनी है एक अच्छी सी और उन पॉइंटों का इस्तेमाल करते हुए ये चीज साबित करनी है, जो भी हमारे पास तर्क होंगे बस वो यूज करते हुए, वो पॉइंट यूज करते हुए ये बात साबित करनी है कि वो अंतिम थी, ठीक है। उसके बाद हमें फ्रीडम चीजें, क्योंकि उसने इस तरह का रोल निभाया था, एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, वो चीज हमें दिखाना है उस चीज के अंदर। ये हमें जो लिखा गया है कि साबित हुआ था, है ना। तो ये जो पॉइंट है ना इस चीज पे हमें साबित करना है बस कि हाँ ये पॉइंट है, ये मेरे तर्क हैं जिससे ये बात लग रही है कि जो नौसैनिक विद्रोह है इसने इस तरह का रोल निभाया था, अंतिम के लिए थी उनकी सौ पेटिका में, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 150 शब्द के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, 10 अंक का ये क्वेश्चन था। शुरुआत कैसे कर सकते हैं कि 1946 में जो है नौसेना विद्रोह ने भारत पर बिगड़ते ब्रिटिश नियंत्रण को जो है वो प्रदर्शित किया था, जो भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में जो है एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक था और इस घटना ने जो है राजनीतिक प्रक्रिया को तेज कर दिया था जिससे अंत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ था। तो उसी ओर हमारी चीजें जा रही हैं, जिस ओर हमें आंसर को ले जाना है कि अंतिम कुल के रूप में जो है इसको साबित करना कि हाँ उसके बाद हमें क्या औपनिवेशिक शासन का अंत हो गया, इस तरह की इसने चीजें लेके आया था। तो हमारी शुरुआत हो चुकी है, आइए हम मेन बॉडी की ओर जो है वो बढ़ते हैं कि हम मेन बॉडी के अंदर अपना फॉलो चार्ट किस तरह का रख सकते हैं, वो चीज देखना जरूरी है ताकि इस तरह से हम यूज करके फॉलो चार्ट का यूज करके कुछ अच्छे अंक जो है वो प्राप्त कर सके, हमारा आंसर अन्य लोगों से कुछ अलग दिखे और वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिससे हम ये चीज साबित कर सकते हैं कि वो अंतिम की जो है वो साबित हुई थी, एक अंतिम पॉइंट था जिसने अंत कर दिया था औपनिवेशिक शासन का, तो वो कौन कौन से पॉइंट का हम यूज कर सकते हैं। देखिए व्यापक समर्थन मिला था, इसका हम जिक्र कर सकते हैं कि विद्रोह जो है भारतीय आबादी, राजनीतिक नेता और रॉयल इंडियन एयरफोर्स, स्थानीय पुलिस सहित सशस्त्र बलों के विभिन्न वर्गों में व्यापक समर्थन मिला था। जब चीजें स्टार्ट हुई थी ना, यानी नौसैनिक विद्रोह जब शुरुआत हुई थी, तो ये लड़ाई थी समानता की, भोजन जो है वो अलग दिया जाता है, ठीक है, उनके साथ व्यवहार जो है वो अलग तरीका दिया जाता है, वेतन कम दिया जाता है, तो समानता की लड़ाई थी, वो जूझ रहे थे उस चीज से और भरे, क्योंकि देखिए कनेक्ट तो था ना पूरे भारत के अंदर, वो उन्हीं माओं के बेटे थे जो ये चीज झेल रहे थे, वहां पर भी तो वही लोग थे, तो वो भरे हुए थे। 1940 आ गया था, चीजें जो है बहकाया जा रहा था, कभी कोई सा मिशन आ रहा है, कभी कोई सा मिशन आ रहा है, चीजें एक्चुअल में वो करना चाहते भी है नहीं चाहते थे, वो परेशान हो गए थे, वो वहीं से चीजें कनेक्ट हुई थी। और जो उनके साथ हो रहा था कि भोजन वो उनके साथ अलग दिया जाता है, वेतन कम दिया जाता है, काम जो है उनसे अलग तरीके से लिया जाता है, बदतमीजी की जाती है, तो वो अंदर से भर गए थे, वो बस लास्ट जो है वो फूट पड़ा, वो गुस्सा फूट पड़ा था उनका,
और हुआ क्या था, उन्होंने लगा कि ये कार्य करना है, किस चीज के लिए लड़ना है, कि जो बदतमीजी हमारे साथ हो रही है, जो असमानता का भाव हमारे साथ किया जा रहा है, वो भेदभाव जो उनके साथ किया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। और जल्द ही ये कन्वर्ट हुई किसके खिलाफ, कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, बस आप लोग यहां से निकलिए। वो जल्दी ही उस चीज में कन्वर्ट हो गई और फुल रूप से जो है समर्थन मिला, पूरे देश का समर्थन इनको मिला। जुलूस निकलने लगे, आसपास के पूरे क्षेत्र के अंदर हड़तालें हुई, जुलूस निकले, पूरा समर्थन में आ गया, यानी कि व्यापक समर्थन जो है इनको मिला, पार्टी का, कांग्रेस का समर्थन मिला, जो अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा की पार्टी थी उनका भी समर्थन मिल गया। तो व्यापक समर्थन मिला, ये एक पॉइंट लिख सकते हैं। आगे क्या कि सामाजिक राजनीतिक एकता की बात हुई, क्योंकि औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध जो है विभिन्न राजनीतिक गुटों के बीच जो है दुर्लभ एकता प्रदर्शित की गई थी। मैं बात कर रहा हूं कि जो अलग अलग विचार रखते थे वो भी साथ में आ गए और इनका साथ दिया कि हाँ हम उस चीज का समर्थन करते हैं। मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों जो है अलग अलग विचारधारा है, उन्होंने साथ में आके इनका समर्थन किया। तो क्या दिखी हमें, सामाजिक राजनीतिक एकता दिखी। तो ये एक कारक है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ा कि ब्रिटिश शासन की जो है अस्थिरता को प्रदर्शित करते हुए वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, अमरीका, रशिया, सबने इन पे इफेक्ट डाला, प्रभाव डाला, दबाव डाला गया इनके ऊपर कि उनको आजाद कीजिए, आजादी दीजिए उनको, क्योंकि वो नेशनल मीडिया ने जो है, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर की इस चीज को कि ये क्या हो रहा है, और वो दुर्लभता दिखी, वो कमजोरी दिखी ब्रिटिश शासन की। द टाइम जैसे ब्रिटिश मीडिया द्वारा जो है कवरेज ने कमजोर होते ब्रिटिश नियंत्रण पर प्रकाश डाला कि वो चीज कमजोर हो चुकी है, वो एकता आने लगी कि हम साथ मिलके हैं, इनका समर्थन करते हैं, और वो पूरे भारत के अंदर ये चीज देखी गई, व्यापक समर्थन उनको मिल रहा था। अगला पॉइंट हमारा क्या हो सकता है कि स्वतंत्रता की दिशा में राजनीतिक गति पकड़ी, कि ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय नेताओं के बीच जो है तीव्र बातचीत हुई। 1946 में जो है सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा है तो कैबिनेट मिशन, उसका आगमन हो गया। तो ये किसके इफेक्ट है, ये किसके कारक हम देख रहे हैं कि अंतिम टी के रूप में वो साबित हो रही है, वो कारण हम किसके बता रहे हैं कि हाँ ये पॉइंट है जिससे ये साबित हो रहा है, ये तर्क है जिससे ये साबित हो रहा है कि वो अंतिम चीजें थी, उसने अंत कर दिया था अपने शासन का, उन्हें देश के अंदर एकता लेके आई, व्यापक समर्थन साथ सब जनसमूह जुड़ गया, जो आक्रोश हम, और बहुत सारी इस तरह की घटनाएं उस टाइम पीरियड पे हुई थी कि हम पीक पर थे, बस वो चिंगारी उछल पड़ी। अगला पॉइंट हम और अन्य पॉइंट क्या दे सकते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन पर प्रभाव पड़ा था, इसने जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की कमजोरी को जो है उसको उजागर कर दिया, जिससे पता चलता है कि अब भारत पर नियंत्रण बनाए रखना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जिसके आधार पर जो उनके साथ है वो लोग कौन है, सशस्त्र बल है, और वो कौन लोग है, हम ही लोग थे, साथ में ही थे, अब उनपे वो विश्वास नहीं कर सकते थे क्योंकि विद्रोह उन्होंने किया था, अब जो आपकी मेन पावर है उसी पे आप विश्वास नहीं कर सकते, तो चीजें कमजोर होने लगी थी। तो ये सब कारण जो है बताते हुए, सब देखते हुए आप ये बात साबित कर सकते हैं कि हाँ वो अंतिम चीज जिसने ओपनिंग शासन का अंत कर दिया था, उसकी ओर मुड़ दिया था उसको, ठीक है। अब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। देखिए 1940 की रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह भारत में जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक आकांक्षाओं के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। नौ सैनिक विद्रोह ने जो है भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया को तेज कर दिया, जिससे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ और भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की जो है वो शुरुआत हुई। यानी कि एक विद्रोह के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, वो चीजें कनेक्ट की जाती है क्योंकि वो अंतिम टाइम पीरियड पे है 1940 के अंदर, और बोला जाता है कि वो सौ पीटिका के अंदर एक अंतिम खेल थी, अपने तर्क दीजिए और उस चीज को साबित हमें करना है, क्योंकि उसी तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया है, वो हमसे एक्चुअल में क्या चाहता है उसको समझेंगे तो उस तरीके से अपने पॉइंट उस तरीके से उसको स्ट्रक्चर कर पाएंगे, फॉलो चार्ट का यूज करना ताकि अंक अच्छे मिले, पॉइंट टू पॉइंट वर्ड के लिमिट के अंदर उसको लिखना हमें सब करना होगा, और ये चीज हम पीवाईक्यू से ये भी सीखेंगे, क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है और कैसे आंसर देना है ये भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किन वर्डों पर ध्यान देना है, कि यहाँ पर हमें इधर उधर नहीं घूमना, क्वेश्चन आया हमारे सामने बस हमें इधर उधर नहीं घूमना कि हाँ हम ये कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं, उसने बोला है सिंपल एक कथन बोला गया कि ये विद्रोह था, क्या आप इस चीज में बस उसको साबित कर दीजिए, आप साबित करने के आपके पास जो भी तर्क है, जो भी आप पॉइंट दे सकते हो, बस उन्हें देते हुए उसका आंसर लिखिए, इधर उधर नहीं घूमना, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि हाँ एक्चुअल में क्वेश्चन हमसे क्या जानना चाहता है, पीवाईक्यू को समझते हैं कैसे लिखा जा सकता है, फॉलो चार्ट का यूज करना ताकि हमें अच्छे अंक जो प्राप्त हो, किस सब्जेक्ट से किस तरह से टॉपिक चीजें पूछी जाती हैं वो कनेक्शन हमें जो है वो हमें समझना होगा,
क्वेश्चन को हमें समझना होगा, ठीक है। तो वो हम सभी सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कराएंगे, तो प्लीज इससे जुड़ जाइए, आसपास जो भी तैयारी कर रहा है उनके पास भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।